भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आप लोगों को आज एमएससीबी टेंडर का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। जो एमएससीबी का टेंडर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, पहले एमएससीबी के पोर्टल दूसरे थे, अभी एमएससीबी का पोर्टल बदल गया है, नए पोर्टल जो सैप के मॉड्यूल में डिजाइन किया है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो सिर्फ डीएससी की रिक्वायर्ड होगी। आगे जाके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, सिर्फ पेन नंबर लगेगा। तो देखिए, मैंने गूगल पे, मुझे यदि आपको आइडिया नहीं है तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं एमएससीबी टेंडर बोल के, और एमएससी जो साइट आपको मिलेगा etender.mahadiscom.in, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे गूगल में सर्च करके एमएससीडीसीएल के साइट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आता है, पर मैं एज ए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंपनी का ईमेल आईडी या फिर आपका खुद का ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी पे आपको कम्युनिकेशन करना है। जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, यदि आपको जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डालिए, और नहीं है तो आप इसको यहाँ पे टिक मार्क आप नहीं करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा अपना जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ, कंपनी का नाम, जिस कंपनी के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपको खुद के नाम पे करना है तो आप खुद का नाम डालिए। यदि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें आपका जो पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस वगैरह है उसका रहेगा तो उसका नंबर, नहीं है तो सॉपेक का नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो नंबर डालिए आप, जिससे आपका कंपनी का हुआ है। पेन नंबर में आपका जो पेन कार्ड का जो नंबर होता है, फैक्स और लैंडलाइन जो नहीं है मेरे पास, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और कैप्चा डाल दीजिए, और इसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ। देखिए, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी मुझे मेल पे चेक करना है, मुझे मेल पे आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। आईडी बेसिकली अपना ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड वो मुझे सेंड करते हैं। तो मैं अपने मेल आईडी पे मेल आईडी ओपन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे MSECDCL का एक मेल आ गया है, जिसमें मेरा आईडी और नीचे मुझे उसका पासवर्ड दे दिया है। आईडी आपका ईमेल आईडी होगा और पासवर्ड आपको दिया हुआ है, ये पासवर्ड आप कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ईमेल आईडी नीचे आ गया मेरा, मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा और पासवर्ड जो था कैप्चा, इसको करके लॉगिन करें। जैसे लॉगिन करेंगे मुझे रिसेट पासवर्ड बोलेगा। रिसेट पासवर्ड में 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। पहले ओल्ड पासवर्ड, फिर न्यू पासवर्ड में मैं सभी डिटेल्स डाल रहा हूँ। इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है और इसको सबमिट कर देगा। हमारा पासवर्ड चेंज हो गया और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं। ये मैं अभी नया पासवर्ड जो मैंने रखा है उससे मैं वही पासवर्ड डाल रहा हूं जो मैंने अभी चेंज करके जो डाला, इसको मैं लॉगिन करता हूँ।